हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन पर। जब आप कहीं जाते हैं तो आप रास्ते में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, बस, व्हीकल्स एक्सेट्रा। हम लाइट की वजह से ही ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। पहले आप एक कम्प्लीटली डार्क रूम में जाइए, सारी लाइट्स ऑन कर दीजिए, आप सारी चीजें देख पा रहे होंगे। फिर सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्या आप अभी भी ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं? ट्राई कीजिए। ऑब्जेक्ट्स बहुत तरह के होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जिनके आर पार हम हल्का हल्का देख सकते हैं, जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे जो खिड़की में ग्लास लगता है वो, सम प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। और जिनके आर पार हम हल्का हल्का देख पाते हैं वो होते हैं ट्रांसल्यूशेंट, सम प्लास्टिक्स, सम विंडो ग्लास एक्सेट्रा। और जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे दीवार, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक आप सीधा पाइप लीजिए और एक टेढ़ा पाइप। पहले आप सीधे पाइप से एक कैंडल को देखने की कोशिश कीजिए, आप कैंडल को जरूर देख पा रहे होंगे। फिर मुड़े वाले पाइप से कैंडल को देखिए, आप कैंडल को नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और लाइट की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। एक नॉर्मल सा कैमरा बहुत महंगा आता है ना, आज हम एक होममेड कैमरा बनाएंगे, पिन होल कैमरा। ऐसा कैमरा जिससे कोई भी चीज उल्टी दिखाई देती है, जैसे मैं पिन होल कैमरे से अपना हाथ देखूंगा तो वो उल्टा दिखाई देगा। चलिए इसको बनाते हैं। पहले दो डब्बे लीजिए, दो डब्बे ऐसे होने चाहिए कि एक डब्बे के अंदर एक डब्बा घुस जाए। जो बड़ा वाला डब्बा होगा उसमें पिन से छोटा सा छेद कर दीजिए और दूसरे डब्बे में एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के उसके बाहर से बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर चिपका दीजिए। फिर बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा डालिए। फिर एक काले कपड़े से अपना मुंह और पिन होल कैमरे को ढक दीजिए, पर काले कपड़े से जो छेद है वो नहीं ढकना चाहिए। फिर आप खिड़की से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा सनशाइन में हो उसको देखिए, अगर धुंधलाएगा तो छोटे वाले डब्बे को आगे पीछे करके आप उसको सेट कर सकते हैं। फिर आपको उस ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज दिखेगी ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर में। क्या आप जानते हैं नेचर में खुद एक पिनहोल कैमरा है? किसी दिन आप सनी डे में बाहर जाइए, आप पेड़ के नीचे बैठिए, वहां से आप ऊपर को देखिए, पत्तियों के बीच से हल्की हल्की धूप आई होगी, आप वहां से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो भी उल्टा दिखेगा। हमें सन को डायरेक्टली लुक नहीं करना चाहिए, खासकर इक्लिप्स में। तो हम इक्लिप्स को कैसे देखें बिना चश्मे के? पहले कार्डबोर्ड का पीस लीजिए और पेपर का पीस तो नीचे बिछा दीजिए। फिर कार्डबोर्ड के पीस में पिन से एक छोटा सा छेद कीजिए। फिर कार्डबोर्ड के पीस को पेपर के पीस के ऊपर रख दीजिए। जब इक्लिप्स हो रहा होगा तो जो सर्कल धूप से बनेगा नीचे वो ज्यादा डार्कर डार्कर होते जाएगा, इससे आप पेपर में इक्लिप्स को देख सकेंगे। अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में सीखेंगे। इसको अच्छे से सीखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए तीन लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक कोई आदमी, एक आप और एक दूसरा। कमरे में पूरा अंधेरा होना चाहिए। मान लीजिए आप रूम में यहाँ खड़े हैं, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है। आपने टॉर्च पकड़ी है और ये वाले आदमी ने मिरर पकड़ा है और ये आदमी खाली है। जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो उससे एक लाइट की बीम आएगी
जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके उस आदमी तक पहुंच जाएगी। रिफ्लेक्शन का एक रूल होता है, जब बीम ऑफ लाइट टॉर्च से आएगी मिरर तक का, तो वहां पे जो एंगल बनेगा और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आदमी खड़ा होगा खाली हाथ वहां तक का पहुंचेगी, जो उसमें एंगल बनेगा वो सेम होगा। मान लीजिए एंगल ए है और एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू सेम होगी। यही होता है रिफ्लेक्शन में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।